इलाके फैजाबाद में पुलिस सब इंस्पेक्टर की जानिब से बुरखा पोश खवातीन पर स्टिक से हमला करने के वाक़े के बाद मुकामी अवाम की कसी तदाद सैफाबाद पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज करते हुए खाती सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए थे। बाद अजाब पुलिस के आला अहदेदारों की जानिब से तयखुन दिया गया पुलिस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खवातीन के रिश्तेदार मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इसकी तफसीलात बताई। 12 बजे से 12-12:30 के दरमियान में ये लड़ाई हुई वहाँ पर। कहाँ पे मतलब ये लड़ाई किसके दरमियान में? साधन कॉलेज के सामने जी। वो रोड पे बस वाला ओवरटेक कर रहा, पूरा दबा दिया था मेरे को, उसको हॉर्न मार रहा हूँ, हॉर्न नहीं सुन रहा था वो। उसके बाद उसके कान में ईयरफोन लगे हुआ था, तो जाके सामने बोला तो कान निकाल के मेरे को गाली दिया कुछ, तू गाड़ी साइड में लगा, बोल रहा मेरे को। तो मैं गाड़ी साइड में लगा लिया, मेरी गलती कुछ भी नहीं, साइड में लगा के ठहरा। तो वहाँ से बस में से आए, बस में से आके करके ऊपर से 12-15 जने थे वो लोग, पूरे ढकलम ढकली करे मेरे को बस का, ढकलम ढकली करके बस का कांच फोड़ दिए मेरे को, ढकल के मेरी मार पड़ी बस के कांच पे, वो कांच फूट गया। फूट के बाद से फिर लेडीज आई, मैं अकेला ही हूँ, मेरे संग लेडीज थी, लेडीज आके छुड़ा रहे थे, छुड़ा रहे तो पीछे SI साहब आए, SI साहब आके सीधा कुछ भी नहीं देखे, लेडीज को मारना चालू कर दिए। सर बस कौन सी थी? RTC बस थी? नहीं नहीं, प्राइवेट बस थी, कॉल सेंटर की। हाँ, या ट्रैवल्स की बस थी? नहीं, ट्रैवल कुछ भी नहीं, प्राइवेट थी वो जी। तो SI साहब से आप लोगों का इंटरेक्शन कैसा हुआ, उन्होंने क्यों आके आप लोगों के ऊपर हाथ उठे? वो पब्लिक देखे, हम लोग ठहरे हुए, मैं देख रहा हूँ SI साहब को, साहब आ रहे हैं छुड़ाएंगे, आए तो है, हम लोग को मारना चालू कर दिया। फर्स्ट तो लेडीज सर पे मारे, बाद में हाथ पे मारे दूसरे लेडीज को, दो लेडीज को मारे। उनके साथ कोई लेडीज कांस्टेबल वगैरह थे क्या? नाम ऐसे सब का नाम मालूम? सूरज सूरज लकड़ी का सूरज है जी। अभी आप लोगों का क्या मुतालबा है सर कमिश्नर साहब और अपने होम मिनिस्टर साहब से? कमिश्नर साहब तो बोले इस बीच में 12 बजने से पहले कुछ भी एक्शन ले लेंगे उनके ऊपर जी। हाँ, आप लोगों का क्या मुतालबा है, क्या एक्शन ले वो बोलना चाह रहे हैं? मारो में कितने जने इंजर्ड हुए भाई? दो जने इंजर्ड हुए, आप और आपके बहन? नहीं, लेडीज। आप लोग कहाँ से आ रहे थे भाई? हम लोग आ रहे थे यहाँपुर से। अच्छा, जा रहे थे हम लोग माधापुर, जाते जाते छोटे बच्चे थे तो आइसक्रीम खाते बोल के। बस वाले कहाँ है वो? तो बस वाले चले गए। तो मतलब आपका और बस का बिटवीन ये इंसिडेंट था, लेकिन वो लोग नहीं है? नहीं है, आपके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, आपके ऊपर तकलीफ हुई, आपको जुर्म हुआ, उसमें से एक जनों को रोक लिए। SI साहब जो है कुछ बोल रहे थे क्या भाई मारते वक्त में? कुछ भी नहीं बोल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ जो है काफी वहाँ पर लाठी चार्ज वगैरह? ये किसकी लकड़ी है भाई? ये लकड़ी SI साहब के पास है। साहब की लकड़ी है, साहब के हाथ में थी, ये मार के तोड़ दी लकड़ी, लेडीज के ऊपर मार के तोड़े हुए। अब इसकी तहरीर शिकायत सैफाबाद पुलिस स्टेशन में कराए भाई? हाँ, करा दिया, करा दिया। और इसकी तरफ से आपको कुछ तहफुन मिला? हाँ मिला, SCP DCP साहब पूरे आए थे। क्या बोल के तहफुन दिए वो लोग? सुबह में 12 बजने से पहले कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे, सस्पेंड कर देंगे। ओके ओके ओके। एक आईटी गाड़ी जिसमें मोहम्मद रिजवान अली एक 22 साल लड़का अपने फैमिली के साथ जा रहा था, ये खैरताबाद मेट्रो स्टेशन के पास एक सामने बस आ गई TS08UD6246। वो बच्चा गाड़ी को उठाने के लिए हॉर्न किया तो गाड़ी वाला बस वाला दबाया लड़के को, उसके बाद में बच्चा गाड़ी रुका दिया, बस वाला उतर के बदतमीजी से पेश आया, गाड़ी ऑफ कर दिया और वो सो बदतमीजी से पेश आके बच्चे को मारा, और बस में जो 10-12 पैसेंजर्स थे वो लोग भी हाथ अंपाई करके बच्चे को मारे। और इस दौरान में क्या हुआ कि इमीडिएटली पीछे से पुलिस की गाड़ी आई, वो पुलिस की गाड़ी में SI सूरज कुमार साहब थे जो अपने सहवाग PS के हैं, वो उन्होंने गैदरिंग देख के बिना प्रोवोकेशन के एक रॉड एक छोटा अपना क्या होता है कपड़े का लाठी टाइप का स्टिक ले लेके मारन तोड़ी शुरू कर दिए, उसमें लकड़ी भी टूट गई, उसमें थोड़ा एक दो मोहतरमा को मार भी लगा उसमें, और इसमें हम सख्त से कार्रवाई करेंगे, जो भी बस है उसको अरेस्ट करेंगे पूरे लोगों को, और SI के खिलाफ भी सख्त से मतलब कार्रवाई करेंगे, डिपार्टमेंट कार्रवाई जो भी है हमारे कमिश्नर साहब को हम लोग रिपोर्ट देकर उस पर एक्शन लेंगे, और सस्पेंड हुआ तो सस्पेंड करा देंगे। अच्छा,